हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी बिल्कुल मस्त और झक्कास होंगे। तो वेलकम टू माय चैनल जिसका नाम है ड्यूक गेमिंग। तो आज फिर से आपका भाई एक नए गेम प्ले वीडियो के साथ आप लोग के सामने आया। तो जैसे कि पता है ये गेम काफ़ी चर्चित में है और काफ़ी अच्छा है। यहाँ पे मैं बोलता हूँ कि पहले कपड़ा चेंज कर लूँ, हरियर हरियर दिख रहा है साला, ग्रीन ग्रीन। तो फिर बस इसी के साथ ये वाला गेम प्ले इतना अच्छा था ना कि पूछो मत। यूँ स्टार्ट होता है, यूँ ख़त्म होता है, यूँ सब कुछ यूँ यूँ हो जाता है। और एज जैसे पता है आपका भाई इसमें इम्पोस्टर है, फटा पोस्टर निकला इम्पोस्टर। तो इसमें इम्पोस्टर की तरह मैं खेल रहा था और बस तब क्या था, मैं और एक बंदा और जो इम्पोस्टर थे। फिर उसके बाद मैं बस खोजने लगा कि बंदा अकेले ही बस दिख जाए मुझे, कहीं अकेले बंदे दिखे और पेल के निकल जाओ उसको। तो बस अकेले दिख, यहाँ पे मुझे अकेले दिख जाता है, तब तक ये भी इम्पोस्टर ही रहता है। मैं सोचता मैं मारूँ तब तक यही मार देता है, और फिर मारने के बाद ये बेंट का यूज़ करके भागता है। मैं भी बोलता हूँ कि क्या मारूँ। फिर उसके बाद मैं इसको ले लेता हूँ कि चलो भाई, वो एक को लिया एक को मैं लेता हूँ। फिर उसके बाद फिर मैं वहाँ से हट गया और फिर और लोगों को खोजने स्टार्ट किया। कुछ बंदे अपने अपने मिशन में मिशन किए जा रहे थे, तो वो तो मिशन कर रहे थे, तो हम बोले कि उनको मिशन करने देते हैं और हम बंदे खोज खोज के हम बंदे फिनिश करते हैं। तो जैसे कि मैंने एक को मारा, एक को उसने मारा, और भी वो दो तीन लोग को मार चुका था। और कब उसने तीन चार को मार दिया, डेड बॉडी रिपोर्ट होता है, और डेड बॉडी रिपोर्ट होते हैं मीटिंग बैठने के बाद ही ये गेम ख़त्म हो जाता है। सिंपल गेम था। आई होप आप लोगों को मज़ा आया हो, और अगर मज़ा आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। इस वीडियो का लाइक टारगेट 25 रखता है। आई होप आप सभी इसको कंप्लीट करा दें। और हाँ, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वो जो बेल आइकन है ना उसको भी दबा दें, ताकि आप मेरा फ्यूचर में कोई भी वीडियो डालूं तो आप उसे सबसे पहले देख सकें और आपको उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो इसके साथ मैंने दूसरा गेम स्टार्ट कर लिया। मैं बोला कि चलो अब दूसरा गेम खेलते हैं, दूसरा गेम स्टार्ट करते हैं। इसमें मैं इम्पोस्टर नहीं, हर गेम में इम्पोस्टर नहीं था, तो इसमें इम्पोस्टर नहीं रहता। इसमें एज ए क्रूमेट गेम खेलता हूँ, और क्रूमेट तो पता ही है क्या है। क्रूमेट थोड़ा रिस्की होता है यार, मज़ा तो तभी आता है जब हम इम्पोस्टर रहते हैं। तो इसमें इम्पोस्टर तो मैं था नहीं और इसमें क्रूमेट था, तो मिशन बस कंप्लीट करना है, मिशन फटाफट है। और यहाँ पे साला ऑक्सीजन डिप्लीट होने लगता है, क्या यार ऑक्सीजन। तो यहाँ पे फिर से होता है कि यहाँ पे फिर चिट्ठी ना कोई संदेश, जाने वो कौन संदेश। यहाँ पे हम लोग कोड डालते हैं और कोड डालने के बाद सभी आते हैं, वही मिशन का कोड डाला। फिर वहाँ पे ये हो जा, अभी भी नहीं हुआ, हो जा, अब हो जाएगा शायद, अब हो जा, मेरा ही है भाई, हाँ हो गया। तो यहाँ ये कंप्लीट करने के बाद फिर उसके बाद होता है कि अब क्या करें। तो फिर निकल गए यहाँ से, फिर और बाकी जगह जाने के लिए कि यहाँ चलते हैं अब दूसरी जगह पे, यहाँ पे मिशन कंप्लीट करते हैं। और फिर वहाँ यहाँ से निकल के हम लोग जाते हैं यहाँ पे, मैं इसको कंप्लीट करता हूँ, यहाँ पे तार मिलन कराता हूँ, एक दूसरे का मिलन कराता हूँ। फिर ये डेड बॉडी फिर से रिपोर्ट हो गया, फिर से मीटिंग बैठेगा और हम फिर से बातें करेंगे। और भाई क्या हाल चाल, यही सब बातें करें, पर ये पता नहीं कहाँ कहाँ के बंदे आ जाते हैं, पता ही नहीं चलता। तो फिर उसके बाद क्या होता है, सियापा सियापा मतलब सियापा हो गया भाई, हाँ हाँ सियापा हो गया। तो फिर उसके बाद क्या होता है कि ये सभी लोग कुछ, किसी को कुछ नहीं पता, बस सभी मीटिंग बैठा लिए, जो मीटिंग बैठा है तो उसको खुद को नहीं पता क्या है। तो फिर हम सभी लोग ने स्किप किया, स्किप करना ही सही था, तो स्किप किया। और स्किप करने के बाद पता चलता है कि कोई भी इजेक्ट नहीं हुआ और इम्पोस्टर जितने थे वो अभी भी रिमेन, अभी भी लॉबी में है। तो अब फट रही थी सबकी, मेरी खुद फट रही थी क्योंकि अभी दो और मेरे को पूरा मिशन करना था। मिशन अब ये देखो, खुल जा सिम सिम, खुल जा, अरे खुल जा, खुल जा, नहीं खुल रहा था। फिर मैं बोला कि छोड़ो, अच्छा यहाँ पे फिर से ये दरवाज़ा खुलता है, यहाँ का सिमसिम खुल जाता है, वहाँ का सिमसिम खुलता ही नहीं। फिर उसके बाद हम लोग निकल गए वहाँ से और मैं बोला कि आप कहाँ जाके मिले। तो मैंने सोचा कम्युनिकेशन वाले साइड में चलता हूँ, कम्युनिकेशन वाले साइड में या इलेक्ट्रिकल साइड में चलता हूँ। इलेक्ट्रिकल साइड में दो दो मिशन था, तो यहाँ पर मैं सोचा कि यहीं वाला मिशन कम्प्लीट करता हूँ। तो इलेक्ट्रिक नीचे करता हूँ, अब ये पट गया ऊपर, हाँ सही है, तो ऊपर करता हूँ, ये वाला कम्प्लीट होता है। फिर उसके बाद मैं बोलता हूँ कि भाई डाउनलोड कर लेते हैं स्टडी मटेरियल। तो स्टडी मटेरियल यहाँ पे इलेक्ट्रिकल से माय टैबलेट में मैं सारा कुछ डालता हूँ, सारा कुछ चिट्ठी संदेश संदेश पूरा खुफिया
सब कुछ कलेक्ट कर लेता हूँ। फिर ये दोनों मिशन कंप्लीट करने के बाद मेरा बचता है मिड बे का मिशन और सील्ड वाला मिशन, ये दो चीज़ का मिशन बचता है। फिर मैं बोलता कि अच्छा चलो निकलते हैं यहाँ से। और ये देखो पिछले वाले मैच में ये भी था मेरे साथ, यही साला इंपोस्टर था, डर लग रहा था इसके पास जाने। बहुत बुरी तरीके से हम लोग ये मैच हार रहे हैं, फिर डिफीट हो गए हम लोग ये मैच। फिर उसके बाद मैंने बोला कि अच्छा कोई नहीं, अब एक मैच हार गए एक मैच जीत गए, फिर से खेलते हैं। फिर यहाँ पे दो क्रीम हम लोग फिर से एज ए क्रीमेट में फिर से खेलना स्टार्ट किया। और फिर क्या था यहाँ पे, मुझे पता था कि चार मिशन है, चार मिशन का सबसे पहला मिशन ये आता है एडमिन ब्लॉक में। तो यहाँ मीटिंग बैठाया गया और यहाँ पे मीटिंग बैठाने का इतना बेचारा एक बंदा क्या था, बेकसूर बंदे को, एक निर्दोष बंदे को यहाँ से बाहर निकाल दिया गया जबकि वो इम्पोस्टर भी नहीं था। कितना गंदा, वो बेचारा भूत बन के घूमेगा पूरा लॉबी। और इसी के साथ यार हद है यार, अब वो भूत बन के देखेगा हम सबको। फिर उसके बाद ये हम लोग बोले कि मिशन कंप्लीट करते हैं और मैं फटाफट मिशन करने चला गया कम्युनिकेशन वाले एरिया में। यहाँ कम्युनिकेशन वाले एरिया में चलता है मिशन कंप्लीट करते हैं। और यहाँ पे तो पता ही है क्या कौन सा है, यहाँ पे डेड बॉडी, ओ भाई डेड बॉडी रिपोर्ट, किसने डेड बॉडी रिपोर्ट किया, रिपोर्ट करने वाला हमारे एक हरे वाले भाई। हरे वाले भाई चले गए डेड बॉडी, अभी भी एक इम्पोस्टर, मतलब कि इस गेम में एक ही इम्पोस्टर था और सिंपल वो कौन था ये मुझे पता है, लेकिन देखिए आप लोग वीडियो देखिए समझ में आ जाएगा। तो यहाँ फिर से एडमिन वाले ब्लॉक में आके मैं फिर से अपना एटीएम स्वाइप करता हूँ और एटीएम एक ही बार में हो जाता है, उसको पता चल जाता है कि अब एक ही बार में लेना है। और फिर कम्युनिकेशन वाले डिपार्टमेंट में आके मैं फटाक से करता हूँ कि यहाँ, और ये देखो यहाँ पर ये जो बंदा था ना यही, इसने मुझे तुरंत कैसे मारा, एक खलास पूरा गर्दन ही घुमा रहा है। तब तक मुझे एक बंदा देख लेता है और वो क्या करता है, ये अच्छे से जाके रिपोर्ट कर देता है। मज़ा आ गया भाई, अगर वो ना देखा होता तो क्या होता। ये देखो ये जो बंदा था ना येलो वाला, इसने मुझे ये देख लेता है कि ये जो अलोंसे है ना उसने ही मारा है मेरे को, और फिर उसके बाद मार देता है। तो इसी के साथ वो सभी लोग इसको रिपोर्ट करते हैं और ये बंदा बाहर हो जाता है। इसी के साथ हम लोग बहुत सिंपल तरीके से ये वाला मैच भी जीत जाते हैं क्योंकि इम्पोस्टर इस मैच से बाहर निकल जाता है। एज़ वी नो अगर इम्पोस्टर नहीं तो मैच जो होता है क्रूमेट जीत जाते हैं। तो बस इसी के साथ ये वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आप लोग को यह वीडियो पसंद आया हो, और अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और साथ ही साथ अगर आप इस चैनल पर नए हों तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ वो घंटा दबा देना, घंटा दबाओगे तभी तो याद आओगे।